हरियाणा के कांग्रेसी नेता पंकज पुनिया को करनाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें अदालत में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। रिमांड के दौरान पुलिस उस मोबाइल को बरामद करेगी जिसके माध्यम से यह ट्वीट किया गया है। आपको बता दें कि पंकज पुनिया द्वारा मंगलवार की शाम करीब 6:30 बजे एक ट्वीट किया गया था। उस आपत्तिजनक ट्वीट के सामने आते ही लोगों में रोष पैदा हो गया था, क्योंकि उसमें एक विशेष समुदाय और भगवान श्री राम का उल्लेख किया गया था, जिससे कि धार्मिक तनाव पैदा होने की संभावना बन गई थी। शिकायत के माध्यम से पंकज पुनिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने तथा धार्मिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया गया था। इसी कड़ी में पुलिस ने पंकज पुनिया को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया निगरानी के दौरान हमने इस नेता के ट्वीट पर गौर किया है, जिसमें एक विशेष समुदाय और उनके भगवान का उल्लेख किया गया था। इससे राजनीतिक और धार्मिक तनाव पैदा होने की संभावना है, इससे स्थिति बिगड़ सकती थी। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में कांग्रेस नेता पंकज पुनिया को करनाल एरिया से काबू कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद पंकज पुनिया को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें एक दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं इस मामले में करनाल के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि पंकज पुनिया के खिलाफ शिकायत मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। संबंधित धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया है, आगामी कार्यवाही की जाएगी। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी हरियाणा के कांग्रेस नेता के खिलाफ कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए मामला दर्ज किया है। पंकज पुनिया के खिलाफ उनके कथित आपत्तिजनक ट्वीट के लिए यूपी के हसरतगंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। मैं तो ये चाहूंगा जब अंत पहुंचे कम से कम ये 10 साल के लिए सलाखों के पीछे जाए, ताकि हिंदू समाज के ऊपर ऐसे अभद्र और घिनौनी टिप्पणियां करने वाले सभी लोगों को एक चेतावनी मिल जाए कि अब हम अगर कुछ करेंगे तो हिंदू समाज जाग रहा है, जागा हुआ है और सलाखों के पीछे ही हमारा नया घर होने वाला है। और इसमें एक बात हो रहा है, समाज तो अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा, कानून भी अपनी लड़ाई लड़ेगा, लेकिन इस प्रकार के अराजकता फैलाने वाले लोग जो धर्म का नाम लेकर इतनी वाहियात और भद्दी भाषा लिखकर ट्वीट करते हैं, इन भाषाओं को बच्चियों ने भी पढ़ा, इन भाषाओं को छोटे बच्चों ने भी पढ़ा, माताओं बहनों ने भी पढ़ा, और ऐसे व्यक्ति को समाज का कंप्लीट बायकॉट करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को घोर से घोर सजा मिले, ताकि इस प्रकार की अराजकता फैलाने वाला व्यक्ति दोबारा एनकरेज ना हो सोसाइटी में। मैं सर अभिषेक नागपाल एडवोकेट हूँ जी। अपना आज पंकज पुनिया जी को अपना कोर्ट में पेश किया गया था पुलिस द्वारा, जिसमें माननीय अदालत श्री मुकेश कुमार जी द्वारा अपना पुलिस द्वारा रिमांड मांगा गया था, जिसमें पुनिया जी को एक दिन का रिमांड पुलिस को दिया गया है। अब एक दिन का रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा उनको मेडिकल होने के बाद। ये है कि अपना उसमें एक दिन का रिमांड आज पुलिस द्वारा पुलिस को मिल गया है। रिमांड का बेस क्या है? रिमांड उसके लिए लिया जी कि फोन जो है जिससे ये ट्वीट किया गया है उसको रिकवर करने के लिए, जो पंचकुला में छिपा दिया इन्होंने सबूत नष्ट करने के लिए, वो पेश करने के लिए रिमांड मांगा। उन्होंने डिफेंस ये लिया था कि जी जो ये ट्वीट किया गया है ये इसके अकाउंट से ट्वीट नहीं किया गया, तो पुलिस ने ये मांगा था कि जी जो फोन जिससे ट्वीट हुआ था वो हमने रिकवर करना पंचकुला से, तो पुलिस को एक दिन का रिमांड दिया गया फोन की रिकवरी के लिए। कांग्रेसी नेता है पंकज पुनिया, विवादित ट्वीट के बाद करनाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है, गिरफ्तारी हुई है, क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए ये कल एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, उसके साथ जो रिलेवेंट रिकॉर्ड लगा हुआ था, एक हाईली ऑब्जेक्शनेबल और प्रोवोकेटिव और काफ़ी आपत्तिजनक एक ट्वीट जो है पंकज पुनिया के द्वारा परसों शाम को 6:30 बजे के आसपास किया गया था, तो उसके संबंध में जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं आईपीसी के और आईटी एक्ट के, उसके तहत मुकदमा दर्ज करके उसे कल शाम को गिरफ्तार किया गया है और इन्वेस्टिगेशन इसमें अभी चल रही है, आज कोर्ट में पेश करके आइंदा जो कार्रवाई बनती है वो की जाए। तो दूसरी जगहों पर भी मामले दर्ज हुए हैं, जानकारी मिली है कि लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में कई जगह मामला दर्ज हुआ है, तो क्या कुछ वहाँ की पुलिस भी बाद में प्रोडक्शन वन पे लेकर जा सकती है? हाँ देखिए अभी तो जो अभी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ केस दर्ज है और हमने उसको अरेस्ट करके अभी तो उसको कोर्ट में पेश करेंगे, अगर आईओ को ज़रूरत लगेगी तो उसकी रिमांड सीख करेगा पुलिस रिमांड, या उसको जुडिशल में भेजा जाता है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, और जो बाकी जगह जहां मुकदमे दर्ज हैं अभी पता लगा है कि लखनऊ में और इंदौर दो जगह से भी सूचना प्राप्त हुई कि वहां भी मुकदमे दर्ज हैं। कौन कौन सी धाराओं में? ये 153A IPC और 295A और 505 Part 2 और साथ में 67 IT Act।
तो लोगों से अपील करेंगे कि मामला दर्ज हो गया, कानून ने अपना। देखिए, ऐसे बिल्कुल भी थ्रेट देने की कोई बात नहीं है, जो जिसने किया है वो भुगतेगा, जो कानून का एक सिस्टम है उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरी आपके माध्यम से यही अपील है कि कृपया इसमें पेशेंस रखिए और जो आपकी कंप्लेंट है आप कंप्लेंट दीजिए, उसमें हम हैं कार्रवाई करने के लिए। कौन सी पार्टी का बताया जा रहा है? ये पार्टी का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वो तो जो कंप्लेंट लिखी थी उसमें जो है साथ रिकॉर्ड लगा हुआ था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise।